नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। सनातन धर्म पर विवादित कमेंट करने के बाद तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा है। उदयनिधि ने बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से की, साथ ही उनके सहयोगी दल AIADMK को कूड़े का ढेर कहा। उदयनिधि रविवार को कुडालो जिले के नेवली में DMK विधायक सभा राजेंद्रन की पारिवारिक शादी में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कचरे में से सांप हमारे घर में घुस जाता है। अगर हमें सांप को खत्म करना है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि कोई कचरा ना हो। 2024 चुनाव में तमिलनाडु से भाजपा और AIADMK को बाहर करना होगा। सनातन धर्म विवाद पर उदयनिधि ने कहा कि वह भविष्य में भी इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में पिछले 100 सालों से सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, हम अगले 200 सालों तक भी इसके खिलाफ बोलना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन पर उनकी टिप्पणी नहीं है। उदयनिधि ने कहा, अतीत में कई मौक़ों पर BR अम्बेडकर, पेरियार और M करुणानिधि ने इसके बारे में बात की थी। उदयनिधि ने आगे कहा, सनातन धर्म के कड़े विरोध के कारण ही महिलाएं घर से बाहर निकल सकी और सती जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया। उन्होंने कहा, वास्तव में द्रमुक की स्थापना ही उन सिद्धांतों पर हुई थी जो ऐसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।